बीएससी पार्ट थर्ड जोलॉजी पेपर थर्ड मीन अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य खंडित श्रेणी। जो भी हमें डेटा दिया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आवृत्ति दी हुई हो, किंतु क्लास इंटरवल नहीं हो, वर्ग अंतराल नहीं हो, तब उस श्रेणी को खंडित श्रेणी कहते हैं। इसके दो तरीके हैं मीन निकालने के। पहला है डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में जो भी x की वैल्यू दी हुई है उसको उस कॉरेस्पॉन्डिंग f से या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में उसका टोटल निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया जाता है। इस टोटल को डिवाइड किया जाता है फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं n की वैल्यू होगी सिग्मा एफ, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका टोटल। इनडायरेक्ट मेथड में एक एक्स में से एक बीच की कोई संख्या को अज्यूम कर लेते हैं मीन की तरह है, और फिर उससे डेविएशन निकाला जाता है एक्स माइनस ए। इस डेविएशन को एफ से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकालते हैं और उसको एन से डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है 60 स्टूडेंट्स का, 60 स्टूडेंट्स का वेट दिया है किलोग्राम्स में। 40 किलोग्राम के 7 स्टूडेंट्स हैं, 50 किलोग्राम्स के 10 स्टूडेंट्स हैं, 60 किलोग्राम के 11, 70 किलोग्राम वेट के 20 स्टूडेंट्स हैं, 80 के 8 और 90 के 4 हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, ये हो गया एक्स, वेट होगा एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी सबको टोटल करने से सिग्मा एफ निकलेगा, वो होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम या एन विच इज 60। सबसे पहले हर एक्स को उसके एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 40 इंटू 7 280, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 11 660, 70 इंटू 20 1400, 80 इंटू 8 640, 90 इंटू 4 360, और इसका टोटल आएगा सिग्मा एफ एक्स वो आ रहा है 3840। यहाँ वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, 3840 डिवाइडेड बाय 60, आंसर होगा 64 केजी। ऐसे ही एक और एग्जांपल है जिसमें कुछ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लिया हुआ है, ये सीरियल नंबर हो गया, ये है ब्लड प्रेशर 140, 170, 100, 120, 180, 130, 110, 150, 160 एंड 190। इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स होगा इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 5, 10, 2, 3, 5, 4, 3 एंड 2। इसका टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम जो n की वैल्यू है वो 10 नहीं होगी, n की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद निकालिए f को x से मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यूज आ गई, इसको टोटल कर दीजिए, आया 5420। फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, 5420 डिवाइडेड बाय 40, आंसर विल बी 135.5। ये दो और एग्जांपल्स हैं शॉर्टकट मेथड के ही हैं। ये वेट दे रखा है 40, 50, 60, 70, 80, 90, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एग्जांपल आपको करवाया था वही है। ये देखिए
फर्स्ट एग्जांपल जो था इसका, ये डायरेक्ट मेथड है, अब हम कर रहे हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। ये नंबर वेट है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ हमें निकालना है। हम अज्यूम कर लेते हैं इस 40 से 90 के बीच में 60 हमने ले लिया है, अज्यूम मीन ए इज इक्वल टू 60 ले लिया है। डी की वैल्यू निकलेगी एक्स माइनस ए, तो ये है एक्स माइनस ए, 40 माइनस 60 देन होगा 50 माइनस 60, 60 माइनस 60 विल बी 0, 70 माइनस 60 प्लस 10, 80 माइनस 60 प्लस 20 एंड 90 माइनस 60 प्लस 30, ऊपर आ जाएगा माइनस 20 एंड माइनस 10। अब इस डी की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 और ये माइनस 140, माइनस 100, 0, 200, 160 एंड 120, इसको ऐड करिए तो निकलेगा समीशन ऑफ एफ डी, ये आ रहा है प्लस 240। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखिए, ए हम ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन, ए यहाँ पे है कल्पित माध्य या अज्यूम मीन जिसकी वैल्यू है 60, समेशन ऑफ एफ डी आया है 240, एन की वैल्यू 60, डिवाइड कर दीजिए आंसर 64। जो डायरेक्ट मेथड से आएगा वही शॉर्टकट मेथड से भी आएगा। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है, तो ये है 159 सेंटीमीटर हाइट एक स्टूडेंट की है, 161 हाइट टू स्टूडेंट्स की है, 163 नाइन की है, 165 58 स्टूडेंट्स की है, 167 131 स्टूडेंट्स की है, 169 102 की है, 171 40 स्टूडेंट्स की है और 173 17 की है। टोटल नंबर ऑफ आइटम ये नहीं होगा, ये होगा फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ये आ रहा है n is equal to sigma f which is 360। a हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली संख्या 167, तो हर में से इसको लेस करिए, 159 माइनस 167, 161 माइनस 167, ये हो जाएगा, ये वैल्यूज निकाल ली, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 एंड प्लस 6। अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको f से मल्टीप्लाई करिए, तो आएगा माइनस 8 माइनस 12 माइनस 36 माइनस 116 0 204 160 102, इन सब का टोटल निकालने से आएगा प्लस 294। ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखने से a इक्वल टू 167 प्लस 294 डिवाइडेड बाय 367, आंसर विल बी 167.82। अब ये लास्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं जिसमें हम दोनों तरीके से निकालेंगे। 100 फैमिलीज हैं जिसके अंदर बच्चों की संख्या दे रखी है और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये है नंबर ऑफ चाइल्ड की, कोई फैमिली ऐसी भी है जिसमें बच्चे नहीं हैं, ऐसी संख्या दो परिवारों की है, एक बच्चे वाले चार परिवार हैं, दो बच्चे वाले 20, तीन बच्चे वाले 27, चार बच्चों वाले 28, पांच बच्चे वाले 9 और छह बच्चे वाले हैं 10। एन होगा इस एफ का टोटल, ये है 100, 100 फैमिलीज थी तो एन की वैल्यू होगी 100। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ये आया 2, 4, 40, 81, 112, 45 एंड 60 और इसका टोटल आया 342। ये है डायरेक्ट मेथड, ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एक्स बार इज इक्वल टू मीन जो हमें निकालना है, एफ है फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ एक्स आया 342, एन इज सिग्मा एफ जो है 100, 342 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 3.42। इसी को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ए हमने यहाँ पे ले लिया है 3, एक्स में से लेना होता है ए की वैल्यू, 3 ले लिया, हर एक्स में से इस ए को लेस करिए, तो आया माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3।
इस d को f से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 20, 0, 28, 18, 30, टोटल आएगा 42. शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n. a इज अज्यूम मीन जो कि 3 लिया है, एफ डी आया 42 और n है 100. 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 100, आंसर विल बी 3.42, दोनों में सेम आएगा. थैंक यू.